हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लवली किचन गार्डन। कैसे हैं आप? आए हो बच्चे होंगे। आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मधुमालती जो कि एक वाइन प्लांट है और उसे लगाने का सही तरीका क्या है, क्योंकि वाइन प्लांट को कभी कभी गलत तरीके से लगा देने की वजह से भी वो ग्रो नहीं होते हैं। तो चलिए फिर आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। उसके साथ मैं दो तीन कटिंग और लगाऊंगी। देखिए मैंने कटिंग ले भी रखी है, मैंने फाइकस की तीन कटिंग ली है। देखिए इस तरीके के फाइकस की कटिंग है मेरी। लास्ट ईयर भी मैंने तीन कटिंग लगाई थी जिसमें कि दो कटिंग सर्वाइव हो चुकी थी। ये देखिए इतनी पतली पतली भी कटिंग लग जाती है। हमारे यहाँ रात को खूब अच्छी बारिश हुई है और काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है। ये है वाइट कलर के बोगनविलिया की कटिंग और यहाँ पे अभी इस टाइम बहुत धूप हुई है, उमस है। ये तभी होता है जब दोबारा से बारिश होने का टाइम आ जाता है। तो चलती हूँ फिर फटाफट से। तो गाइस देखिए ये दो मैंने रंगूर क्रीपर की वाइन ली है, वाइन की कटिंग ली है। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से है। ये देखिए इसके पत्ते आप देख सकते हैं, जो निकली हुई ब्रांच है एक साइड ऊपर की तरफ उठी हुई है और ये भी देखिए कुछ इसी तरीके की है। तो अभी मैं इसको लगा के बताती हूँ कि इसको आपको लगाना कैसे है ताकि ये जल्दी से जल्दी ग्रो कर जाए। सबसे पहले आपको मैं अपना मिट्टी दिखा देती हूँ। ये देखिए गार्डन सॉइल के साथ इसमें मैंने कंपोस्ट बनने के लिए रखा था, तो ये बन के एकदम तैयार हो गया। काफ़ी दिनों से इसमें मैंने एक प्लांट लगा रखा था, ये कांत में है, तो इसमें लगा हुआ प्लांट सूख गया। तो अभी देखिए मैंने इसमें देखिए कुछ पत्थर भी डाल रखे थे जो कि अंदर दब गए हैं, तो इसको मैं पहले हटा दूँ, एक साइड कर दूँ। देखिए कितनी अच्छी उपजाऊ सी मिट्टी है, देख सकते हैं इसका कलर रेड ब्लैक है। तो इसके अंदर मैं कैसे कटिंग लगाती हूँ उस चीज़ पे आप ज़रूर से गौर करिएगा। देखिए ये कटिंग है तो हम इसे ऐसे नहीं लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे इस तरीके से, और ये इस वाले जो इसकी ब्रांच है उसको ऊपर रखेंगे। तो जब भी आप मधुमालती की कटिंग लगाएं या फिर मोगरा की कटिंग लगाएं तो इसी तरीके से लगाएं। ये है तो इसको भी हम इसी में दबाएंगे इस तरीके से और थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल देंगे तो नो डेरिया इसका अंदर दब जाएगा और जो निकली हुई ब्रांच है ऊपर रहेंगी। बाकी के देखो ये फाइकस है तो ये सब हार्डवुड वाले हैं तो इसे आप धसा सकते हैं। और ये जो मेरी मिट्टी है ये काफ़ी सॉफ्ट है तो मैं कटिंग लगाने के लिए कुछ विशेष नहीं करती हूँ कि ये ले लो वो ले लो, कटिंग मेरी तब भी लग जाती है। बारिश होने वाली है, मौसम में बहुत ज़्यादा उमस है, तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए मैं तो खूब कटिंग लगाती हूँ। आप भी देखते होंगे कि वीडियो में मैं कभी एक कटिंग लगाने के ऊपर बात नहीं करती हूँ, जब भी लगाती हूँ बहुत सारी कटिंग लगाती हूँ। और एक छोटी सी कटिंग इसको भी लगा देती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, हालांकि मिट्टी बारिश की वजह से गीली है तो चाहूँ डालूँ या ना डालूँ, वैसे भी बारिश होने वाली है, मौसम में घटा लगी हुई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।